गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आओ हिंदी सीखें छठी कक्षा का पाठ 16 चींटी कविता पढ़ेंगे। आज हम चींटी कविता की सफर सिंह से व्याख्या करेंगे। चींटी कितनी निर्भय है। निर्भय का मतलब क्या होता है? नीडर। अपने श्रम में तन्मय है। श्रम मतलब मेहनत, तन्मय मतलब लीन। छोटी इसकी काया है। काया मतलब शरीर। यह भी प्रभु की माया है, प्रभु ईश्वर। कवि चींटी के संबंध में कहता है कि चींटी कितनी निडर है। इधर उधर घूमने में उसे कोई भय नहीं लगता। वह अपनी मेहनत में लीन रहती है। उसका शरीर छोटा है, यह ईश्वर की अनोखी माया है। कवि के कहने का भाव है, चींटी चाहे बहुत छोटी होती है परंतु वह लगातार मेहनत करती रहती है। आगे हम पढ़ेंगे, अथक परिश्रम करती है। अथक बिना थक के, परिश्रम मेहनत। गिरती है चल पड़ती है। हमको यह सिखाती है, सिखाती है सीख देती है। मेहनत से ना मानो हार, हार पराजय। चींटी की विशेषता प्रकट करते हुए कवि कहता है, चींटी अथक मेहनत करती है, वह कभी गिर पड़ती है और फिर उठकर चल पड़ती है। वास्तव में वह हम मनुष्यों को सीख देती है कि मेहनत से कभी हार ना मानो भाव, मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। आगे, अथक परिश्रम कर पहनो तुम सब विजय श्री का हार, विजय श्री जीत। चींटी का जीवन हमको यही प्रेरणा देता है। प्रेरणा देना उत्साह, उत्साह बढ़ाना। कवि कहता है कि तुम सब मेहनत करने से कभी ना थको, बिना थके लगातार श्रम करो। इससे तुम्हें जीत अवश्य मिलेगी। हम मनुष्यों को चींटी का जीवन यही प्रेरणा देता है भाव, चींटी अपने परिश्रम से हम मानवों को भी परिश्रम करने का पाठ पढ़ाती है। आगे, मेहनत जीवन का सर्वस्व, सर्वस्व सब कुछ। श्रम ही फल देता है। चींटी कितनी निर्भय है, अपने श्रम में तन्मय है। श्रम मेहनत। कवि कहता है कि मेहनत जीवन का सब कुछ है। मेहनत से ही मनुष्य को फल प्राप्त होता है। चींटी कितनी निडर है, वह हमेशा अपनी मेहनत में लीन रहती है भाव, जीवन में उद्देश्यों की प्राप्ति परिश्रम से ही होती है। हाँ जी बच्चे, आगे आपके प्रश्न उत्तर हैं जो आप करोगे। पहला क्वेश्चन क, चींटी की काया कैसी है। ख, चींटी से हम क्या सीख सकते हैं। ग, विजय कैसे मिलती है। घ, चींटी कितनी निर्भय है, अपने श्रम में तन्मय है से कवि का क्या भाव है। आगे आपको दिए हैं वाक्य बनाओ। क निर्भय, ख तन्मय, ग अथक, घ विजयश्री, ड प्रेरणा, च सर्वस्व। ये प्रश्न उत्तर और वाक्य बनाओ आपने कविता को अच्छे से सुनकर अपनी फेयर नोटबुक पर करने हैं।